स्टूडेंट्स, कल मैंने आपकी ईवेस की बुक में चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 17 था हमारा एयर। एयर के बारे में मैंने कल आपको पढ़ाया था कि किस कौन कौन सी एयर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। साथ ही साथ मैंने आपको एयर पॉल्यूशन के बारे में भी बताया था और किस कारण से एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। आज हम इसके बाकी पार्ट को पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 111 ओपन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, कि किस तरीके से एयर पॉल्यूशन को कम करना चाहिए या फिर किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। वी मस्ट बी अवेयर ऑफ द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड अंडरस्टैंड द नीड टू मेक एयर फ्रेश एंड क्लीन। हमें एयर पॉल्यूशन के बढ़ते हुए लेवल के बारे में अवेयर होना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें फ्रेश एयर और क्लीन एयर की कितनी ज़रूरत है, कितनी आवश्यकता है। हेयर आर सम वेज टू डू इट। यहाँ पर आपको कुछ तरीके बताए गए हैं जिसके ज़रिए हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। सो हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है ग्रो मोर ट्रीज़। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए। यूज़ CNG इन व्हीकल्स, और व्हीकल्स में CNG का यूज़ करना चाहिए। CNG दैट मीन्स की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो हमें अपने व्हीकल्स वगैरह में नेचुरल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज़ भी करना चाहिए। इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज शुड बी अवे फ्रॉम हाउसिंग एरियाज, दे मस्ट बी फाइटेड विथ चिमनीज। अब आपको यहाँ बताया गया है कि जो इंडस्ट्रीज और जो फैक्ट्रीज होती हैं उन्हें हाउसिंग एरिया से दूर होना चाहिए। डू नॉट बर्न गार्बेज, और हमें कचरे को जलाना नहीं चाहिए। अवॉइड ब्रस्टिंग क्रैकर्स, और क्रैकर्स को भी जलाने से को अवॉइड करना चाहिए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कारपूल, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ में लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। गेट द व्हीकल्स चेक्ड रेगुलरली फॉर पॉल्यूशन, और अपने व्हीकल्स का हमेशा पॉल्यूशन चेक करवाते हमें रहना चाहिए। इन सब तरीकों से हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एयरबॉर्न डिजीज़। एयरबॉर्न डिजीज़ दैट मीन्स कि वायुजनित रोग, ऐसे रोग जो कि हवा के माध्यम से फैलते हैं। ब्रीथिंग इन हार्मफुल एंड पॉल्यूटेड एयर कॉज सर्वल हार्म हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर हम पॉल्यूटेड एयर को ब्रीथ करेंगे, सांस में लेंगे, तो कई सारी हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इट गिव्स बर्थ टू मैनी एयर बॉर्न डिजीज़, और यही कई सारी बॉर्न डिजीज़ को पैदा करती हैं। देयर आर सिंपली डेवलप्ड इन आर बॉडी बाय ब्रीथिंग, और ये हमारे सांस लेने के द्वारा डेवलप्ड होती है। दे स्प्रेड व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ नीज और थ्रो आउट नज़ल और थ्रो आउट म्यूकस। सम ऑफ द एयरबॉर्न डिजीज आर, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो एयरबॉर्न डिजीज है वो किसके द्वारा होती है, वो एयर के द्वारा फैलती है, जो कि हम सांस लेते हैं जिससे वो हमारी बॉडी में आती है और फिर हमारे सांस लेने के ज़रिए से वो फैलती है हमारी बॉडी के अंदर। और यहाँ पर आपको कुछ एयरबॉर्न डिजीज के नेम बताए गए हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मम्प्स, मिजलस, ट्यूबरक्लोसिस, ये सभी एयरबॉर्न डिजीज़ हैं। अब इनके सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे कि जब ये बीमारियाँ होती हैं तो कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ एयरबॉर्न डिजीज आर कफिंग, स्नीजिंग, कॉन्गेशन, रनिंग नोज, सोर थ्रॉट, हेडेक, बॉडी एच, फीवर एंड लूज ऑफ एपिटाइट। दैट मीन्स कि कुछ कॉमन सिम्टम्स हमें एयरबॉर्न डिजीज़ के देखने को मिलते हैं, जैसे कि खांसना हो गया, छींकना हो गया, बहती हुई नाक हो गई, गले में खराश हो गई, सिर दर्द, पूरे शरीर में दर्द, फीवर का आना और भूख में कमी। ये सभी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, ये सभी सिम्टम्स एयरबॉर्न डिजीज़ के होते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे, अब आपको दिया गया है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब कि निवारण या फिर उपाय, जो एयरबॉर्न डिजीज़ है उनके निवारण क्या क्या है, उनके उपाय क्या क्या है। गिवन बिलो आर सम वे टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ एयरबॉर्न डिजीज़। आपको यहाँ नीचे कुछ तरीके बताए गए हैं जिनके द्वारा आप बच सकते हैं एयरबॉर्न डिजीज़ से। फर्स्ट है अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन, बीमार व्यक्ति के पास
जाने से हमें अवॉइड करना चाहिए, मतलब कि अगर कोई बीमार है तो हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। स्टे होम व्हेन सिक, और जब हम बीमार हैं तो हमें घर पर ही रहना चाहिए। कवर योर माउथ व्हाइल कफिंग और स्नीजिंग, और जब और यदि हमें कफ या फिर खांसी जुकाम है तो हमें अपने माउथ को कवर करके रखना चाहिए। डू नॉट यूज थिंग्स यूज बाय अ सिक पर्सन, और जो चीज़ें बीमार व्यक्ति के द्वारा यूज़ में ली गई हैं उन चीज़ों का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज़ एन ओरल मास्क टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, और संक्रमण को रोकने के लिए हमें ओरल मास्क का यूज़ करना चाहिए। डू नॉट स्पिट हेयर एंड देयर, और हमें इधर उधर नहीं थूकना चाहिए। Use disinfectant at home and other public places. घर और सार्वजनिक जगहों पर कीटाणुनाशकों का उपयोग करना चाहिए। Children must be vaccinated at the proper age, और बच्चों को उचित उम्र में ही टीका लगाया जाना चाहिए। So ये थे preventions किसके, हमारे एयरबॉर्न डिजीज़ के, कि एयरबॉर्न डिजीज़ वायुजनित रोग जो है उनसे हम किस तरीके से अपने आप को बचाकर रख सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, कि किस तरीके से हम एयर पॉल्यूशन से बच सकते हैं। फिर मैंने आपको एयरबॉर्न डिजीज़ के बारे में बताया कि एयरबॉर्न डिजीज़ कौन कौन सी होती है और उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद मैंने लास्ट में आपको बताया कि किस तरीके से हम एयरबॉर्न डिजीज़ से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं।